भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा नागपुर संसदीय सीट के लिए जारी किए गए वचननामा को कांग्रेस ने जुमला पत्र कहा है। पार्टी ने गडकरी से 10 सवाल पूछते हुए दावा किया है कि शहर में कहीं भी विकास नहीं दिखता, सिर्फ विकास के नाम का ढिंढोरा पीटा जाता है। नागपुर से कांग्रेस प्रत्याशी विधायक विकास ठाकरे एवं प्रदेश प्रवक्ता अतुल लोंडे आयोजित पत्र परिषद में कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है। साथ ही इस दौरान विकास ने दावा किया कि वह 1 लाख की लीड से चुनाव जीतेंगे, बतौर सांसद बेरोजगार के अवसर तैयार करेंगे, साथ ही लोगों की बुनियादी सुविधाओं पर भी ध्यान रखेंगे। जर एखाद्या पक्षाजवळ एक हाती सत्ता 10 वर्ष आहे, त्यांचे नेते या नागपूर शहरात एकही समस्या राहायला पाहिजे। मुबलक पाणी मिळालं असतं 6 तास, आरोग्य केंद्र बरोबर असते, शाळा बरोबर झाल्या असत्या, उद्यान असते, खेळाचे ग्राउंड असते। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस, इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस। कृष्णा मेंस हमसे सस्ता कोई ना बेचे, दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3,050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2,000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर।